सो ही वुड्स अप गाइज, वेलकम बैक टू मैनेस गेमर्स। गाइज आज सीजन चेंज होने वाला है सीएस रैंक का, एंड आज हमारा नया सीजन आने वाला है सीजन 21। एंड आप में से 90% बंदों का एक ही सपना होता है कि सीजन चेंज होने के बाद सीधे हम चले जाएं ग्रैंड मास्टर। तो गाइज आपका ये ग्रैंड मास्टर जाने वाला सपना आज के इस वाले वीडियो के अंदर पूरा होने वाला है। बस आपको वीडियो को बिना स्किप किए 10 मिनट तक देखना है, एंड इस वीडियो के अंदर जितने भी टिप्स बताए जाएंगे वो सारे टिप्स को आपको फॉलो कर लेना है। एंड साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि आपको हमारे ग्रैंड मास्टर पुशिंग की सारी एपिसोड टाइम टाइम मिलती रहे। बाकी बात कर लेते हैं टिप्स नंबर 1 के बारे में। एंड गाइज आज मैं जो भी टिप्स के बारे में बात करूंगा वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट टिप्स होंगे, बिकॉज मैंने आपको बेसिक टिप्स पिछले वाले वीडियो के अंदर ही बता दिए थे। बाकी बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स के ऊपर। तो ये टिप्स नंबर 1 होने वाला है, आप में से 90% बंदे फर्स्ट राउंड के अंदर कटाना अगर मिलता है आपको, तो कटाना की जगह पर आप कोई सा भी एक पिस्टल नहीं लेते हो। तो गाइज फर्स्ट राउंड के अंदर आपको पिस्टल लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज अगर एनिमी सामने के साइड में होगा या फिर थोड़े लॉन्ग रेंज पे होगा तो वो आपको आराम से निपटा सकता है। तो इसीलिए फर्स्ट राउंड के अंदर आपको G18 लेना है या फिर WSP लेना है। भूलकर भी M500 मत लेना, क्योंकि वो गन की डैमेज बहुत ही ज्यादा कम कर दी गई है। देन अब बात कर लेते हैं टिप्स नंबर 2 के बारे में, जो कि कैरेक्टर स्किल के ऊपर है, जो कि मैंने पिछले वीडियो के अंदर कवर किया था। लेकिन इस वाली वीडियो के अंदर भी मैं आपको बता देता हूं कि आपको कौन कौन सा कैरेक्टर स्किल लेकर खेलना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, टोटल 3 ऐसे कैरेक्टर स्किल हैं जो कि आपको रैंडम प्लेयर या फिर अपने टीममेट के साथ भी बहुत ही तगड़ा कॉम्बिनेशन बना के देते हैं। एंड इनकी कॉम्बिनेशन भी मैं आपको बता देता हूं। तो नंबर 1 आता है ओरियन प्लस मिगुल, एंड नंबर 2 पे आता है डिमिट्री प्लस थीवा। एंड बात कर ले नंबर 3 पे, तो नंबर 3 पे आता है तत्सुया प्लस अल्वोरो। या फिर अगर आप टीममेट के साथ खेल रहे हो एंड आप अपने टीममेट के एकदम परफेक्ट नेडर हो, तो आप लोग क्लू के साथ अल्वोरो का यूज कर सकते हो। एंड आगे चल के मैं आपको नेड की भी कुछ टिप्स बताने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। देन अब बात कर लेते हैं टिप्स नंबर 3 के बारे में। तो अगर आप हैंगर के इस वाले साइड में अलाइव होते हो, तो आप लोगों के लिए वन ऑफ द बेस्ट ट्रिक बताने वाला हूं कि आप कैसे सामने वाले एनिमी के ऊपर रश कर सकते हो। अगर आपके सामने से एनिमी नहीं आ रहे हैं एंड सामने वाले छत के ऊपर एनमी है, तो आपको फटाफट से कवर लेते हुए आगे बढ़ना है। एंड हैंगर के इस वाले गैरेज से होते हुए आपको फटाफट से यहाँ से पहले एक बार एनमी की लोकेशन देख लेनी है। एंड अगर एनमी आपके टीममेट से फाइट करने में लगा हुआ है, तो आप फटाफट से उसके ऊपर रश कर सकते हो। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना कि अपने फुट स्टेप को बिल्कुल भी शेयर मत करना, बिकॉज सामने वाला एनमी अगर ईयरफोन लगा के खेल रहा होगा तो वो आपके फुट स्टेप को नोटिस कर सकता है। तो गाइस अभी आप लोगों ने देखा कि सामने वाले एनमी को बहुत तगड़ा डैमेज लगा है, एंड मैं फटाफट से उसके ऊपर रश करता हूँ। एंड मैं इस चीज का वेट इसलिए कर रहा था क्योंकि सामने वाला एनमी ओरियन बनके बैठा था। तो इस ट्रिक का यूज आप आराम से कर सकते हो, बहुत ही जेन्युइन ट्रिक है, बट थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा एंड थोड़ा बहुत एनालाइज करना पड़ेगा एनमी को लेकर। देन अब बात कर लेते हैं टिप्स नंबर 4 के बारे में। एंड इस वाले टिप्स के अंदर मैं आपको इतना इंपॉर्टेंट टिप्स बताने वाला हूं कि इसको मिस कर दिए तो आप शायद से सीएस रैंक के अंदर ग्रैंड मास्टर नहीं जा सकते हो। बिकॉज आज के टाइम पे सोनिया का क्रेज इतना तगड़ा बढ़ चुका है कि हर एक बंदा सोनिया कैरेक्टर लेकर आता है। एंड अगर आप लोग को सोनिया से बचना है, तो आप लोगों के लिए परफेक्ट कैरेक्टर हो सकता है ओरियन कैरेक्टर। बिकॉज ओरियन कैरेक्टर अगर आपके पास है, तो आप सोनिया से बहुत ही आराम से बच सकते हो। तो गाइस अभी एक सोनिया वाला बंदा मेरे ऊपर रश किया था एंड उसके पास डिमिट्री था, बट जैसे ही उसका सोनिया एक्टिव हो जाता है, मैं ओरियन बनता हूँ एंड उसका सोनिया इनएक्टिव तुरंत से हो जाता है। एंड आपके साथ कभी कभार ऐसा हो सकता है कि आपके पास ओरियन कैरेक्टर चार्ज ना हो, तो इस टाइम पे आपके लिए सबसे बेटर कैरेक्टर होगा कि आप सोनिया लगा करके खेलो। अगर आप शॉर्ट रेंज में फाइट लेते हो, तो अगर आप लॉन्ग रेंज से खेलते हो, तो आप लोगों के लिए सोनिया बिल्कुल भी नहीं बना है। एंड हाँ, हो सके तो सोनिया लगाकर खेलने का प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि सीएस रैंक पुश करने टाइम ज्यादातर फाइट शॉर्ट रेंज के अंदर ही होती है। देन अब बात कर लेते हैं टिप्स नंबर 5 के बारे में। एंड अगर आपका राउंड कॉर्ड सिल्वा के इस वाले साइड में बनता है, तब आपको बिना सोचे समझे सीधे सीधे दौड़कर आपको इस वाले रेलिंग के साइड में जाकर कवर ले लेना है। बिकॉज सामने के जो एनमी होते हैं, उसमें से 90% बंदे उस वाले रेलिंग का कवर लेकर इस साइड से आते ही है। एंड अगर सिर्फ एक एनमी आ रहा है, तो आपको फटाफट से रश करना है। एंड साथ ही साथ ग्लू जरूर से मार लेना, क्योंकि सामने से कोई ना कोई प्लेयर उसको कवर दे ही रहा होगा। एंड इस वाले ट्रिक का यूज कर आप एक एनमी को आराम से निपटा सकते हो। एंड फिर जिस रास्ते से आए हो, उसी रास्ते से आपको दोबारा निकल लेना है। एंड आपको हल्का भी डैमेज पड़े, तो आपको तुरंत से ग्लूअल मारना है, क्योंकि लॉन्ग रेंज से हेड बहुत ही तगड़ा लगेगा ग्रैंड मास्टर लॉबी के अंदर। एंड मेक श्योर कवर लेते रहना कभी भी किसी भी राउंड के अंदर। देन अब बात कर लेते हैं टिप्स नंबर 6 के बारे में। एंड अगर आप एक नेडर हो, तो ये वाला टिप्स आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इस वाले टिप्स को जरूर देखना। एंड इस वाले लोकेशन पर मेरे सामने वाले बॉक्स के पास एक एनमी है, जिसका लोकेशन मेरे को पता चल चुका है। एंड अभी उसको मैं नेड मार्केट डाउन करने वाला हूं। देन बात कर ले नेड कुक करने के बारे में। तो आपको नेड को जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लेना है, एंड उसके बाद आपको कुक करके फेंकना है, जिससे कि सामने वाले एनमी को लोकेशन आपके नेड की या फिर आपके नेड की साउंड बिल्कुल भी नहीं जाएगी। एंड इस वाले ट्रिक का यूज कर आप आराम से किसी भी एनमी को डाउन कर सकते हो नेड से, एंड सामने वाले एनमी को बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा। देन आपको ये वाला टिप्स कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, एंड मेक श्योर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। देन अब हम बात कर लेते हैं टिप्स नंबर 7 के बारे में। एंड आप में से 90% बंदे सेकंड राउंड के अंदर शॉर्ट रेंज का गन ले लेते हो, एंड मेरी मानो तो ये 50% सही भी है अगर आप सेकंड राउंड के अंदर
अंदर शॉर्ट रेंज का गन लेते हो तो। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना कि अगर आपका मैप शॉर्ट रेंज गन के फाइट करने लायक बना है तभी लो, यानी कि अगर आपका मैप क्लॉक टावर पे बन जाता है तो आप फटाफट से शॉर्ट रेंज का गन ले लोगे। लेकिन अगर आपका मैप वही हैंगर या फिर रिमनाम विलेज पे बन जाएगा तो आप आराम से शॉर्ट रेंज के गन से मारे जा सकते हो, क्योंकि सामने वाले एनिमी के पास डेजर्ट ईगल होगा। बाकी ये वाला राउंड लॉन्ग रेंज के गन लायक था तो मैंने इसके अंदर AK-47 लिया जिसका डैमेज 40+ में, इससे मैं हेड भी बहुत ही अच्छा मार लेता हूँ। एंड इस वाले राउंड के अंदर मैंने 2 किल निकाले AK-47 से, तो ये चीज का ध्यान जरूर रखना। वैसे ये ज्यादा बड़ी टिप्स थी नहीं, बट मैंने फिर भी आपके नॉलेज के लिए आपको बता दिया। धन अब हम बात कर लेते हैं टिप्स नंबर 8 के बारे में। एंड ये वाला टिप्स इसी वाली लोकेशन पे काम करने वाला है। वैसे इस वाले मैप का मेरे को नेम बिल्कुल भी नहीं पता है, बाकी ये नेक्स्ट्रा का कोई मैप है जो कि बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। एंड इस वाले जगह पे एक ऐसी इंपॉर्टेंट जगह मैं आपको बताने वाला हूँ जहाँ पे ऑलरेडी कोई ना कोई एनिमी आता ही है। तो जिस रास्ते से मैं आया था उस वाले रास्ते से आपको फटाफट से आ जाना है। एंड अगर आपको स्टेयर पे एनिमी ना दिखे तो आपको फटाफट से इस वाले घर का कवर लेते हुए आगे के साइड में बढ़ जाना है। एंड एक चीज का ध्यान रखना कि आपके पास एक लॉन्ग रेंज प्लस में एक शॉर्ट रेंज का गन जरूर होना चाहिए। बाकी अभी 2v3 का सिचुएशन है एंड मैं पीछे से आता हूँ एंड एक बंदे को डाउन करता हूँ। एंड देखते ही देखते एक और एनिमी मेरे ऊपर रश करता है जिसको भी मैं डाउन कर देता हूँ। एंड इन एनिमी को मेरी लोकेशन बिल्कुल भी नहीं पता थी कि मैं कब पीछे से इनके ऊपर सरप्राइज किया। देन आखिरी का जो एनिमी है वो भी सामने के साइड में फाइट कर रहा होता है एंड मैं पीछे से जाकर उसको अच्छा खासा हेड मारकर ये वाला राउंड भी बहुत ही इजी वे में निकाल लेता हूँ। बाकी ये वाला टिप्स आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। देन अब हम बात कर लेते हैं टिप्स नंबर 9 के बारे में जो कि इस वाले लोकेशन पे काम करता है। एंड ये वाला मैप भी नेक्स्ट्रा के अंदर है एंड इस वाले मैप का नाम है आई थिंक फार्मोटोपिया जो भी है। बट एक चीज ध्यान रखना कि इस वाले लोकेशन पे आपको लॉन्ग रेंज प्लस शॉर्ट रेंज की गन की जरूरत तो पड़ेगी ही, साथ ही साथ आपको एक नेट जरूर लेना है। एंड फटाफट से आपको इस वाले जगह पर आकर कवर ले लेना है। एंड ये वन ऑफ द बेस्ट जगह है जहाँ से आपको चारों साइड का लोकेशन मिलता रहेगा एंड आपके सामने जो भी एनिमी होंगे उनको आप आराम से डैमेज दे सकते हो यहाँ से। एंड अगर कोई बंदा या फिर कोई एनिमी इस वाले रोलर कोस्टर से आता है तो आप यहाँ से नेट कुक करके उसके ऊपर भी फेंक सकते हो। एंड एक चीज का ध्यान रखना कि यहाँ पर आपको हेड बिल्कुल भी नहीं लगने वाला है क्योंकि यहाँ पे आपके हेड के ऊपर बिल्कुल ही तगड़ा वाला कवर लगा हुआ है सामने के साइड में। देन आप कमेंट करके ये बताना कि ये वाला टिप्स आपको कैसा लगा। वैसे ये टिप्स नहीं, ये एक जगह था जो कि मैंने आपको बता दिया कि मतलब आप इस जगह से कवर लेकर फाइट कर सकते हो। देन अब बात कर लेते हैं टिप्स नंबर 10 के बारे में जो कि अगर आप मेरे हिसाब से मानो तो वन ऑफ द बेस्ट टिप्स होने वाला है। तो गाइज अगर आप आज के दिन ही ग्रैंड मास्टर की पुशिंग स्टार्ट कर रहे हो तो आप लोगों के लिए वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर है ओरियन प्लस मिगुल का कॉम्बिनेशन, बिकॉज इस वाले कॉम्बिनेशन से आप एक स्क्वाड को आराम से निपटा सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको प्रैक्टिस होना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि पहले मैं भी ओरियन नहीं चला पाता था, लेकिन जब से मेरे पास ओरियन आया है मैं दूसरे कैरेक्टर को हाथ तक नहीं लगाता हूँ। एंड एक बार और बता देता हूँ, ओरियन के साथ मिगुल का कॉम्बिनेशन लगा लेना, साथ ही साथ अगर आप चाहो तो सोनिया भी लगा सकते हो अगर आप शॉर्ट रेंज के अंदर फाइट कर रहे हो तो, क्योंकि अभी के टाइम में क्लैश स्क्वाड हो या फिर बीआर रैंक हो हर एक तीसरा बंदा सोनिया कैरेक्टर लेकर ही आता है। एंड जो लास्ट का एक स्लॉट मैंने खाली छोड़ा है उसमें आप अपने हिसाब से कोई भी कैरेक्टर को एडजस्ट कर सकते हो। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, 10 टिप्स था जो कि मैंने आपको बताया, जो कि मेरे को अच्छा लगा तो मैंने आपको बताया। बाकी इस वाले वीडियो से पहले भी मैंने एक वीडियो को बना के रखा है, चैनल पे आप जाकर देख सकते हो। एंड हाँ, उस वाले वीडियो में भी जाकर कमेंट कर देना, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर देना। एंड अगर आपके पास स्क्वाड नहीं है तो हो सके तो आज रैंक पुश मत ही करना क्योंकि आज ज्यादातर बंदे अपने स्क्वाड के साथ ही रैंक पुश करेंगे। एंड लास्ट में मैं बस आपको एक बोनस टिप देना चाहूंगा, अगर आज से आप रैंक पुश करना स्टार्ट करते हो रैंडम प्लेयर के साथ तो बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि आप 2 से 3 दिनों में जितना मेहनत करोगे वो आप आने वाले 4 से 5 दिनों के बाद करोगे तो आराम से आगे जा सकते हो। अब ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी ज्यादा से ज्यादा बंदे रैंक पुश करेंगे एंड भीड़ बहुत तगड़ी होगी, तो इसलिए मैंने आपको ये वाला टिप्स भी बता दिया। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए राम राम।